रामपुरा नगर के वार्ड क्रमांक 8 में कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति के आने से बनाए गए कंटेनमेंट एरिया में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अंसारी अपनी टीम के साथ संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले अलग अलग होम आइसोलेशन किए गए। लोगों से लगभग 16 सैंपल उनके द्वारा लिए गए। वहीं तहसीलदार महोदय ने आसपास के लोगों एवं शहर के आम जनता से अपील करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंह पर मास्क लगाएं एवं जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। इस मौके पर पुलिस विभाग नगर परिषद के CMO के साथ कर्मचारी मौजूद थे। यह सैंपलिंग का एक उद्देश्य है। हम लोग आज जो लक्षण आधारित सैंपलिंग की जा रही है, जिन जिन व्यक्तियों के लक्षण हैं जो संपर्क में आए थे पॉजिटिव मरीज को, उनके संपर्क में आने वाले वो लक्षण वाले लोग, उनके सैंपलिंग आज की जा रही है। और बाकी जो लक्षण रहित व्यक्ति हैं जो कि संपर्क में आए थे, उनके प्रथम या द्वितीय कॉन्टैक्ट हैं, उन लोगों के सैंपलिंग हम 5 दिवस पूर्व होने के उपरांत लेंगे ICMR की गाइडलाइन के अनुसार। अभी तक ये संख्या हैं, अभी हम सैंपलिंग जारी है तो संख्या स्पष्ट नहीं बता सकते कि 12 सैंपल की डिटेल एंट्री हो चुकी है और अभी सैंपलिंग की प्रक्रिया जारी है, तो फाइनल जो डाटा है वो सैंपलिंग कार्य पूर्ण होने के उपरांत बता दें। नेक्स्ट तो यही है कि सावधानी बरती है, मास्क लगाकर रहिए और बस ये है कि अगर कुछ भी लक्षण आते हैं तो घबराना नहीं है। किसी प्रकार की अगर कुछ भी किसी को दिक्कत या समस्या होती है तो उसके लिए घबराएं नहीं, तो तुरंत तत्काल जो भी आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर पहुँचिए, अपनी जांच करवाइए, अपना इलाज करवाइए, क्योंकि बीमारी जो है इसको आप इसको इस तरह से ना लें कि ये बहुत ही घातक बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी जैसी कि बाकी बीमारियाँ हैं उसी प्रकार से ये भी बीमारी, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपको सावधानी ज़रूर बरतनी है और सावधानी बरतते हुए जो इसका इलाज है वो इलाज जिस प्रकार से किया जाए उस प्रकार से करवाएंगे। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख की रिपोर्ट।